हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अदितिज फीस्ट। हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो? तो आज मैं बनाने वाली हूँ कोंकण की ऑथेंटिक रेसिपी अम्बोड़ी। तो चलिए शुरू करते हैं। अम्बोड़ी बनाने के लिए मैंने यहाँ 3 कप रेशम के चावल यूज़ किए हैं। आप यहाँ कौन से भी चावल यूज़ कर सकते हो, बट हो सके तो पुराने चावल ही यूज़ करें। साथ ही मैंने 1 कप उड़ीद दाल, 1/2 कप चना दाल और 1 टेबलस्पून मेथी के दाने लिए हैं। इन सारी चीजों को हमें 3 से 4 बार पानी से अच्छे से वॉश कर लेना है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी हमें उतना ही डालना है कि दोनों चीजें पानी में अच्छे से डूबी रहे। और हम इसे 6 घंटे के लिए लीड से कवर करके सोख होने रख देते हैं। 6 घंटे हो गए हैं और दोनों चीजें अच्छे से सोख हो गई है। अब दाल और चावल को हम मिक्सी में थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंड कर लेंगे। इन दोनों में जो एक्स्ट्रा पानी है उसे निकाल लेना है और बारी बारी से दाल और चावल को पीसना है। सबसे पहले हम चावल को पीस लेंगे। इस तरह का इसका टेक्सचर होना चाहिए। चावल को हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के दरदरा पीस लेना है। अब इसे एक बर्तन में निकाल लेते हैं। इसी सेम प्रोसेस से हमें दाल को भी पीस लेना है। दाल भी अच्छे से ग्राइंड हो गई है। अब दाल को भी बर्तन में निकाल लेते हैं। दाल और चावल के बैटर को हम 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करेंगे। हमें इसे नेचुरली फर्मेंट करना है। वेदर के हिसाब से हमें इसे फर्मेंट होने रख देना है। गर्मी के मौसम में फर्मेंटेशन जल्दी हो जाता है और ठंडी के मौसम में टाइम लगता है। अब हम इसमें नमक ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बैटर जल्दी से फर्मेंट हो जाए इसलिए हम यहाँ 1 कप हल्का सा गर्म पानी डालेंगे। गर्म पानी डालना ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी डालोगे तो भी चलेगा। ठंड के मौसम में अगर आप गर्म पानी ऐड करते हो तो बैटर जल्दी फर्मेंट हो जाता है। लीड से कवर करके 10 से 12 घंटे के लिए वॉर्म प्लेस पे हमें इसे फर्मेंट होने रख देना है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो 8 से 10 घंटे में बैटर अच्छे से फर्मेंट हो गया है और साथ ही फ्लफी और लाइट भी हो गया है। अब हमारा बैटर पूरी तरह से रेडी हो चुका है। मैं इसे दूसरे बर्तन में निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे पूरा बैटर यूज़ नहीं करना है। बाकी का बैटर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अब हम अम्बोड़ी बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने तवे को ऑलरेडी मीडियम फ्लेम पर गर्म होने रखा है। अब अम्बोड़ी के बैटर को तवे पर डालेंगे और इसे थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे। तवा ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और बिल्कुल ठंडा भी नहीं होना चाहिए। अम्बोड़ी थिक होती है इसलिए हमें डोसे की तरह इसे ज़्यादा स्प्रेड नहीं करना है। थोड़ी देर के बाद हमें इसे फ्लिप करना है और यहाँ आप देख सकते हो कि अम्बोड़ी को कितने अच्छे से जाली आ गई है। दूसरी अम्बोड़ी डालने से पहले तवे पर हम थोड़ा सा पानी स्प्रिंकल करेंगे और इसे अच्छे से क्लीन कर लेंगे। ये करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ऐसा करने से तवे का टेम्परेचर कम हो जाता है। इस तरह से हम बाकी के अम्बोड़ी भी बना लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो अम्बोड़ी कितनी सॉफ्ट और फ्लफी हो गई है और इसे अच्छे से जाली भी आ गई है। आप इसे कोकोनट चटनी, काला वाटाना उसल या फिर सांभर के साथ भी एंजॉय कर सकते हो। अगर आपको रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। एंड फॉर अपकमिंग वीडियोस प्लीज़ हिट द बेल आइकन। थैंक यू।